मुंगावली से नगर परिषद मुंगावली द्वारा नगर भवन में दिखाया गया सीधा प्रसारण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार दिनांक 31 मार्च को हिमाचल प्रदेश से जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 11वीं किस्त का हस्तांतरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका सीधा प्रसारण नगर परिषद द्वारा नगर भवन में दिखाया गया। वैसे देखा जाए तो मोदी सरकार का कार्यकाल जनता के नजरिए से ठीक ठाक रहा, क्योंकि इस कार्यकाल में कुछ ऐसे मुद्दे भी सुलझे जो कई दशकों से अटके हुए पड़े थे। फिर कोरोना काल में भी लोगों ने देखा, और कहा जाए तो भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है जिसमें कोरोना को लेकर सजगता और बचाव भी बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाएगा, परंतु कहीं कहीं लोगों में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आक्रोश भी देखने को मिला। वैसे आज सिंगल क्लिक के माध्यम से उन्होंने किसान भाइयों से किया हुआ वादा निभाया और गरीबों के उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक सीधा पहुंचाया, ये भी सुनिश्चित किया। कार्यक्रम का प्रारंभ भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेश ग्वाल द्वारा मां सरस्वती की मूर्ति पर दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम में SDOP यादव नगर परिषद से CMO विनोद उन्नीतान, कुलदीप सिंह नरवरिया, जितेंद्र अहिरवार आदि एवं भाजपा नेता मनीष मोदी, अरविंद जैन, सोनू मोदी, अजितेश श्रीवास्तव, जावेद खान, विक्रम यादव आदि उपस्थित रहे। खबर भारतवर्ष के लिए मुंगावली से राजीव राय की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।